एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करूँगी एक लहंगा रिव्यू। लहंगा नहीं, लहंगा मैक्सी स्कर्ट कह सकते हैं आप। मिंत्रा में मिलता है और महंगा मैक्सी स्कर्ट, उसी का एक मैक्सी स्कर्ट का रिव्यू एंड साथ में एक क्रॉप टॉप। ओके, तो मैं एक्चुअली रेडी टू वेयर लहंगा खरीदना चाहती थी, पर रेडी टू वेयर लहंगे का जो प्राइस आ रहा था 3000 से, एक्चुअल जो सुंदर दिखने में है वो 3000 से स्टार्ट हो रहा था एंड 4000-5000 इतना जा रहा था। पर मेरे उतनी बजट नहीं थी, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, तो मेरा बजट था 2000 से 2500, इतने में मेरा बजट था। एंड इस रुपए में जो लहंगा, मतलब रेडी टू वेयर लहंगा मिल रहा था वो दिखने में बहुत ख़राब था। सो आई थॉट कि चलो इसे छोड़ो, मैं एक क्रॉप टॉप ले लेती हूँ, उसके साथ एक मैक्सी स्कर्ट ले लेती हूँ। तो जो क्रॉप टॉप था वो मैंने एक्चुअली वो देख कर ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे ले लेती हूँ, इस क्रॉप टॉप को, एंड उसके साथ मैं एक मैक्सी स्कर्ट लूँगी। क्योंकि क्रॉप टॉप का डिज़ाइन मैंने बिल्कुल श्रेया जैन की इंस्टाग्राम पिक्चर पर देखी थी, सेम टू सेम डिज़ाइन है। बट हाँ, मतलब उसका मटेरियल शायद कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि वो डिज़ाइनर होगा शायद, बट ये दिखने में सेम लगा। तो इसके लिए बट मैंने सोचा कि चलो ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे इतना अच्छा क्रॉप टॉप मिल गया, उसके साथ मैं एक मैक्सी स्कर्ट ले लूँगी और एक दुपट्टा, गोल्डन दुपट्टा ले लूँगी, तो मेरा रेडी टू वेयर लहंगा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया है। एंड क्या, उसके साथ साथ मेरे चैनल पे चल रहा था गिव अवे जो आज ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं आज ही इस वीडियो की एंड में विनर अनाउंस कर दूँगी। एंड क्योंकि मैंने सोचा था फरवरी की 1 तारीख को मैं ये इसका विनर अनाउंस करूँगी, बट फरवरी की 1 तारीख को अगर मैं करूँगी तो वो बहुत लेट हो जाएगा उन लोगों को गिफ्ट सेंड करते करते, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ही, मतलब फरवरी से मैं बहुत ही बिजी हो जाऊँगी। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी कर देती हूँ और जनवरी के अंदर ही ये बिल्कुल जो गिव अवे का जो यू नो सिलसिला है उसे अभी ख़त्म करती हूँ एंड फरवरी से मैं फ्री हो जाऊँगी। ओके, इस वीडियो का एंड तक देखना। तो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि सब बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ, थोड़ा कम बोला कीजिए, ये मुझे कमेंट में मिला था। ओके, पर मैं क्या करूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है तो एक्सप्रेस करने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ओके, सो फर्स्ट मुझे मैंने लिया है ये मैक्सी स्कर्ट एंड ये आप देख सकते हो, ये जो मैक्सी स्कर्ट है बहुत ही सुंदर है। मैं बिल्कुल पास में ऊपर का पूरा व्यू दिखा दूंगी, पहले मैं बोल देती हूँ ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड है ओके सो ये मिंत्रा से मैंने लिया है। ये जो ब्रांड है ये क्लोरा कलेक्शन नाम की कोई ब्रांड है एंड इसका जो आप फैब्रिक और मटेरियल देख रहे हैं स्लीक ब्लेंड, तो उसका मतलब स्लीक ब्लेंड आई थिंक जो चांदेरी होता है उसे मतलब स्लीक ब्लेंड कहता है, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट इसका मटेरियल वहाँ पर लिखा था स्लीक ब्लेंड। ओके, तो ये सामने से इस तरह स्कर्ट की जैसा है, पीछे से इसका इलास्टिक है एंड मेरा जो साइज़ है वो है M। यस, मेरा जो वेस्ट साइज़ है इसका साइज़ है 36 एंड ये बिल्कुल मेरा फिट हुआ है, लाइक कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, 36 बिल्कुल सेम मतलब फिट हुआ है, बट इसमें इलास्टिक भी है। सो अगर आप चाहते हो तो छोटा बड़ा टाइट होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें इलास्टिक है। तो इसके साइज़ से आपको ऐसे ज़िपर मिल जाएगा जो बहुत ही मतलब सेंसिबल है, अगर आप इसे ज़ोर से खींचेंगे तो ये खुल के आपके हाथ में आ जाने की चांसेस है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक नॉट मिलेगा या इस तरह से, एंड इस साइड में आपको एक छोटा सा सुंदर सा लटकान भी मिल जाएगा एंड जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यूजुअली इस तरह की मैक्सी स्कर्ट में लटकन नहीं होता है। एंड ये आपका इसका जो इसका फ्लेयर बहुत बड़ा है, लाइक ये इसका बहुत ही बड़ा फ्लेयर है एंड मैं आपको नीचे से दिखा दूँगी। एंड इसके साइड जो बॉर्डर है, बॉर्डर थोड़ा हैवी है, इसमें थोड़ा पीच बोर्ड टाइप का कुछ, कार्डबोर्ड टाइप का कुछ है। इसके साथ आपको ये लाइनिंग भी मिल जाएगा, तो ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। इसमें आपको ऐसे क्रॉस क्रॉस बॉक्स डिज़ाइन ऑल ओवर दी लहंगा मिल जाएगा, कोई फ्लोरल प्रिंट नहीं हो, कोई जरी का काम नहीं है, बस यही है एंड दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ओके, तो दिस इज़ द घेर जिसे हम कहते हैं घेर एंड या, तो इसका जो प्राइस है दैट इज़ 1200 एंड ये हैंड वॉश है, सो आपको ये मशीन में नहीं धोना है, आपको ये हैंड में वॉश करना है। उसके साथ मैंने लिया है ये क्रॉप टॉप, और उसके साथ मैंने लिया है क्रॉप टॉप एंड एक्चुअली यही मुझे फर्स्ट बहुत अच्छा लगा था, उसके हिसाब से मैंने इसे चूज़ किया था। ओके, सो दिस इज़ द क्रॉप टॉप गाइस एंड इसमें आप देख सकते हो कमर की जगह यहाँ पर इस ऐसे मेटल है या फिर कुछ कांच का कुछ काम है, दूर से मेटल लग रहा है बट सामने से अगर आप देखोगे तो ये कांच का काम है
एंड ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका मोटा है, इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा मोटा है, फिर इसके अंदर लाइनिंग भी दिया हुआ है, सो ट्रांसपेरेंट होने का कोई सवाल नहीं है। एंड ये मेरा जो साइज़ है ये है एल, एंड ये जो ब्रांड है दैट इज़ स्टूडियो राशा। तो इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा था 974। इसके नेक पे भी बॉर्डर गोल्डन कलर की बॉर्डर है, एंड इसका जो स्लीव्स ये ही सबसे अच्छा और ये सबसे सुंदर जो मुझे लगा था, इसका स्लीव्स यहाँ तक है, उसके बाद ये खुला हुआ है। सो जब आप इस अपने हैंड को ऐसे करेंगे तो लगेगा कि आप यहाँ से दुपट्टा लेके बैठे हो। तो जो इसी सेम डिज़ाइन मैंने श्रेया जिनकी एक इंस्टाग्राम पिक्चर में भी देखा था, इसका स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है जैसे कि आप देख सकते हो, बट इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, और उसके सामने ऐसे ओवन वर्क किया गया है, इस तरह की ओवन वर्क है। ये भी कोई जरी का काम नहीं है, दैट्स अ प्रिंट, फॉयल प्रिंट जो होता है, एंड ये भी एक फॉयल प्रिंट ही है। सो जरी का कुछ काम नहीं है, बस प्रिंट है, फॉयल प्रिंट है, बट दिखने में बहुत सुंदर है। सो दिस इज़ द क्रॉप टॉप, एंड ये वेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा टाइट या फिर कुछ ऐसा नहीं है। इस साइड से इसका एक जिपर भी है जो आप ओपन करके अपना साइज ठीक कर सकते हो, लाइक अपना साइज एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये सामने से जो डिज़ाइन है ये कुछ इस तरह सा लग रहा है, एंड ये इतना टाइट भी नहीं है। माई साइज इज एल, लाइक मेरा जो साइज है वो लार्ज है, एंड इसका स्लीव्स देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ओवरऑल देख लिया है, तो प्लीज़ आप लोग बताना कि आप लोगों को ये मेरा मतलब कस्टमाइज लहंगा कह सकती हूँ मैं, या तो आपको ये लहंगा कैसा लगा, लहंगा एंड क्रॉप टॉप कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके गाइस, फाइनली मैं गिवअवे का विनर अनाउंस करूँगी, उससे पहले जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सभी को बहुत 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 शुक्रिया। एंड जो लोग आज गिवअवे का विनर नहीं होगा, लाइक मैं तो सबको विनर नहीं कर सकती हूँ, तो जो लोग गिवअवे का विनर नहीं होगा प्लीज़ 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 आप लोग अपने दिल को छोटा मत कीजिए और मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाए कि क्यों मैं क्यों दिया आपने गिवअवे का विनर नहीं किया मुझे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन लिमिटेड है तो मैं क्या करूँ। बट ऐसा नहीं है कि इस गिवअवे में आप विनर नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाले गिवअवे में भी आप विनर नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हर एक माइलस्टोन में गिवअवे रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा ये प्लानिंग है कि मैं हर एक माइलस्टोन, जब भी मैं कोई माइलस्टोन पार होंगी तब भी मैं गिवअवे रखूँगी। जैसे कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर होना क्लोज है, तो जब मेरा 1000 हो जाएगा तब मैं फिर से गिवअवे रखूँगी, तो आप उस वाले में पार्टिसिपेट कर लेना, एंड हो सकता है कि आप उस बार जीत जाए, तो प्लीज़ अपने दिल को छोटा मत करना। एंड फिर मैं एक बात करूँगी, किसी मैं बहुत ही न्यू हूँ एंड मैंने कभी भी ऐसा गिवअवे कुछ रखा नहीं था ज़िंदगी में, पहली बार मैं ये सब कर रही हूँ, एंड मैंने आपको पता नहीं कि इस गिवअवे के लिए मैं कितना एक्साइटेड थी। मैंने डायरी बनाया, सबका नाम लिखता था, जिससे जो सब्सक्राइबर आता था मैं उस सब्सक्राइबर का काउंट रखती थी। मेरे घर में इतने दिनों से जितना सारा कर्टन्स आया था, लाइक मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था सारे कर्टन्स को मैं जमा करके रख दिया, क्योंकि मुझे गिवअवे उसी में मतलब कर्टन को उसी रैप कर्टन से मुझे सेंड करना है। मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड मुझे जितना हो सके मैं कर रही थी, बट उसी में आप में से बहुत सारे नहीं कहूँगी, कोई लोग ऐसे भी है जो क्या कर रहा था इस गिवअवे में जीतने के लिए, वो अपने घर से सारे जो है अकाउंट से सब्सक्राइब कर रहा था। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि आप अपने घर से आपके पापा की जो मोबाइल से आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, बट वो क्या मेरे वीडियो कभी देखेंगे, लाइक उसे तो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा मेरी कंटेंट पे।
तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। एंड कहीं कहीं कोई कोई लोग ये है कि सब्सक्राइब शायद दोस्त के कहने से सब्सक्राइब तो कर लिया, उसके बाद ही तुरंत बाद ही उन्होंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब मेरा सब्सक्राइब आ रहा था उसके साथ ही साथ एक डिक्रीज भी हो रहा था, तो वो पता चल जाता है। हम लोगों को लगता है कि पता नहीं चलता क्योंकि यूट्यूब तो ऐसे इंस्टाग्राम की तरह दिखाता नहीं है, तो पता नहीं चलता, पर पता चल जाता है। लाइक हम इतने भी छोटे बच्चे तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो लोग कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को कहूँगी कि सीरियसली लाइक एक छोटा सा गिव अवे जितने के लिए इतना अनएथिकल होना होने की ज़रूरत नहीं था। आप सीधे सीधे भी चल सकते थे। अगर आपकी आपकी इनविटेशन से एक भी मुझे सब्सक्राइबर मिला तो वो भी मेरे लिए बहुत थे। तो उन लोगों को मैंने डिसक्वालीफाई किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग शायद पूछेंगे कि दी मेरे हिस्से से तो इतना सारा सब्सक्राइबर आया है तो फिर भी मैं क्यों नहीं जीती। ओके सो लेट्स अनाउंस द विनर नेम। तो मैं यहाँ पर डायरी लेके बैठी हूँ। तो फर्स्ट जो विनर है दैट इज़ पीयू विश्वास, एंड थैंक यू सो मच पीयू एंड कंग्रेचुलेशन। एंड नेक्स्ट जो विनर है दैट इज़ मुस्कान, एंड अगेन कंग्रेचुलेशन मुस्कान। नेक्स्ट जो विनर है दैट इज़ असाना तापसम, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आपका सरनेम थोड़ा गलत लिया है। तो या दैट इज़ विनर नंबर 3 एंड कंग्रेचुलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ सानिया अंसारी, एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस। तो गाइज मैं आप लोगों की जो नाम है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट में रख के पिन कर दूंगी, तो आप लोगों को अगर कोई भी यू नो क्वेरी हो तो आप लोग वहाँ पे भी देख लेना। तो आप लोगों को करना क्या होगा, मेरा मेल आईडी जो मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगी और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, आप मेरे मेल आईडी पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो भी नीचे मेंशन किया गया है आप वहाँ पर मुझे अपना एड्रेस मेल कर देना, तो मैं जल्दी से जल्दी मेरा जो गिव अवे का जो गिफ्ट से वो मैं जल्दी से जल्दी आपको सेंड कर सकती हूँ। एंड मैं ये पूरा सीजन लाइक फेब्रुअरी की 1 के अंदर ये बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी लाइक फेब्रुअरी की 1 के अंदर ही प्लीज़ कर देना, क्योंकि उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी एंड आई डोंट नो मैं तब सेंड कर पाऊँगी या नहीं। तो प्लीज़ जल्दी से कर देना। एंड अगेन कंग्रेचुलेशन, एंड जो लोग मेरा गिव अवे का विनर नहीं बन पाए प्लीज़ बुरा मत मानना, अपने दिल को छोटा मत करना, क्योंकि मैं हर एक माइलस्टोन पे गिव अवे रखूँगी एंड आप लोगों को तब भी चांस मिलेगा, सो चांस मिलता ही रहेगा। सो प्लीज़ छोटा मत करना अपने दिल को, प्लीज़ बुरा मत मानना एंड प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत होना प्लीज़। एंड या दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।